हेलो संदीप जी, मानसी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे, है ना। वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम। सत श्री अकाल संदीप जी। ठीक है संदीप जी, वॉल्यूम ठीक है ना। हाँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेन जॉनसन को, और हमारे ये लास्ट ही रह जाएंगे एक तरीके से। लास्ट इसलिए क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मेरी कोशिश ये है कि हम लिंग्विस्टिक करें फटाफट से। तो करेंगे हम बेन जॉनसन। पता नहीं आज ले नहीं रहा है, क्या कर दिया। थोड़ा पेज बढ़ा लिया जाए। हेलो रेनू जी, तो जो जो आए हैं, जो नए जुड़े हैं उनका भी वेलकम, और जो पहले से हैं उनका फिर से वेलकम। बेन जॉनसन ऑफिशियली ये हमारे लिए तो लास्ट ही है जो हमारे रह गए थे, ठीक है, क्योंकि हम स्विच करके कर रहे थे एजेस को। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करें इनका इनका फुल नेम बेंजामिन जॉनसन। और ऐसा कहा जाता है कि यही नाम इन्होंने अपने बेटे का भी रखा था, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पहली चीज। नेक्स्ट चीज, जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा इंग्लिश प्ले राइट भी थे। बहुत सारे इन्होंने प्लेज लिखे हैं जिनकी वजह से इन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक्टर भी थे, यानी कि परफॉर्म भी किया है। और एक बार ऐसा हुआ था कि अपने फेलो फ्रेंड को, मतलब फेलो एक्टर को इन्होंने मार दिया था। पोएट, ठीक है, पहले देखे जरा क्या कह रहे हैं। परमजीत कौर जी, सत श्री अकाल, मेरी तरफ से सभी का वेलकम है। इनके फादर की डेथ जब ये बहुत ही छोटे थे तब हो गई थी, ठीक है। तो इनके जो स्टेप फादर थे वो एक ब्रिक लेयर का काम किया करते थे। बेसिकली क्या था, ईंटों की जगह जैसे मजदूर होते हैं तो मजदूरी किया करते थे, तो उनके साथ भी इन्होंने, बेन जॉनसन ने काम किया, थोड़े टाइम काम किया। और फिर क्या हुआ कि जैसे ये प्रोफेशन स्विच करते हैं ना, जब ये ब्रिक लेयर का काम ज्यादा नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। अब क्या था कि कुछ लॉ कंट्रीज होती थी जहां पे लॉ उनके हिसाब से चलता था, जो कि पावर में हुआ करते थे, तो एज अ सोल्जर भी इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो ये तमाम वो रेफरेंसेस हैं जो आपको मिल जाएगी। देखिए किस तरीके से स्विच करते गए, ब्रिक लेयर भी, एज अ ब्रिक लेयर काम किया, सोल्जर भी थे, इंग्लिश प्ले राइट भी थे, एक्टर भी थे, पोएट भी थे। तो अब क्या हम बात करेंगे, अब बात करेंगे हम इनके नेक्स्ट प्रोफेशन की। हेलो परमिंदर सिंह जी, तो बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं, आई होप कि वो आ ही जाएंगे। टाइम कम रह गया है ना, आज मैं लिंग्विस्टिक की पीपीटी बना रही थी तो मुझे ये लगा कि पढ़ तो रहे ही हैं, 2 दिन मैं भी ब्रेक पे जाऊंगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये लंदन भी गए थे पढ़ने के लिए, ठीक है। अब लंदन में क्या हुआ, थोड़े टाइम जब हालात ठीक थे तो पढ़ाई की, अदरवाइज ही ज्वाइंट थिएटर। तो एक थिएट्रिकल कंपनी थी वो इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब हमने पढ़ा था शेक्सपियर को या स्पेंसर को, तो हमने डिस्कस की थी कि किस तरीके से लंदन जो है, ब्रिटेन जो है, वो ग्रोथ दे रहा था, मतलब वो ग्रोथ कर रहा था और बहुत सारी कंपनीज वहां पर आ रही थी, ठीक है। तो लंदन की एक थिएट्रिकल कंपनी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था और वहां इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, कैसे, एज एन एक्टर। जान पहचान हुई और जान पहचान के थ्रू इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया वहां पे। फिर इन्होंने कुछ प्ले राइट, यानी कि मतलब प्लेज भी लिखे, एज अ प्ले राइट प्लेज लिखे, वो थिएटर में परफॉर्म होते थे और फिर क्या होता था, ये एक्टर इस हिसाब से बने। हेलो कविता जी, मैं ठीक हूं। आज आप कविता सिंह जी बहुत दिनों बाद आए। हाँ जी
जी मृदुला जी, उसका रीजन यही है ना कि मैं चाहती नहीं थी फ्लो टूटे, बस इसलिए। 1597 में पेन आई गेस थोड़ा मोटा ही रखना चाहिए है ना, 1597 में एक एडमायरल, ठीक है, एडमायरल्स क्लब, दरअसल ये क्या था, ये थिएटर कंपनी थी एडमायरल्स मेन, ये आपको रेफरेंस मिल जाएगी बहुत सारे तरीके के, जैसे लॉर्ड चैम्बरलेन्स किंग्स मैन भी बोलते थे उसको, तो अभी आगे भी हम डिस्कस करेंगे। दरअसल ये एक थिएट्रिकल कंपनी थी एडमायरल्स मैन, मैन बहुत सारे थे, तो पहले तो एक्टर जो हुआ करते थे वो लेडीज का भी, मतलब फीमेल का भी कैरेक्टर मेल जेंट्स ही परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। तो ये एडमायरल्स मैन करके एक थिएटर कंपनी थी जो जिनके साथ ये कभी काम करते थे, तो ये नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात कर रहा है 1597 के आसपास की। थैंक यू रेनू शर्मा जी, हेलो मीनू जी। बात करते हैं अब की, जब ये एक्टर थे खुद भी जैसे थे, तो हमें कैसे पता चलता है कि ये एक्टर थे। दरअसल क्या है, आपने यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में पढ़ा होगा ना, मैंने भी एक वीडियो डाली हुई है, ठीक है। थॉमस किड का एक वर्क है द स्पैनिश ट्रेजेडी, हमें किड तो वैसे पढ़ने नहीं है लेकिन हमें ध्यान रखना है इनके बारे में। द स्पैनिश ट्रेजेडी का एक ना कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कहूं तो उसका जो कैरेक्टर है ना वो है लिख दूं एक बार इसका नाम ना आज एक बार को मैं भूल गई थी कि आज क्लास है, हीरो नीमो, जिसे गियरो नीमो भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप सर्च करोगे इसके बारे में, तो ये वाला जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर था ना, ये बेन जॉनसन ने खुद प्ले किया था, मतलब थॉमस किडने का जो ये लिखा हुआ है रिवेंज ट्रेजेडी, तो ये इन्होंने परफॉर्म हो रहा था, क्योंकि एलिजाबेथिन टाइम में थिएटर पे ज्यादा जोर दिया जाता था, तो ये उसी कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने ये मेजर कैरेक्टर खुद परफॉर्म किया था। यहां से ये थोड़े ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। हेलो सैयद जी, वंदना जी, मीनू जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार पूछ लेता है कि थॉमस किड के किस प्ले में, मतलब एज अ प्रोटैगनिस्ट क्या नाम था, तो ये नाम था थॉमस किड का जो प्ले, मतलब रिवेंज ट्रेजेडी है बेसिकली जो प्ले है वो ये है और कैरेक्टर ये था। अब एट्थ पॉइंट इनके बारे में जो मुझे यहाँ पे लगा के डिस्कस करना चाहिए, कि आपको याद होगा मैंने एक चीज कल कही थी, अब मैं वैसे इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या था कि मल्टीपल टाइम्स ये ना प्रिजन में चले गए बेचारे। अब प्रिजन में इंसान क्यों जाएगा, जरूर कोई ना कोई उस टाइम पे क्राइम किया होगा, है ना। एक मास्क करके एक लिटररी टर्म भी होती है और ये टेक्निक भी है। दरअसल क्या है, थिएटर में ये परफॉर्म की जाती है, आपने अक्सर देखे होंगे कि एक जगह पर बहुत सारे लोग डांस परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिंगिंग चल रही होती है, आज भी सीरियल्स में मूवीज में ये टेक्निक यूज करी जाती है। मास्क वो लोग पहने रहते हैं जिससे क्या होता है, जो पार्शियल फेस है वही आइडेंटिफाई होता है, बल्कि वो भी नहीं होता। बहुत सारे तरीके के मास्क है ना, लोग अपने ड्रेस के या कॉस्ट्यूम के साथ मिलाकर कॉम्बिनेशन वो जाया करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा उनके हाथ में क्या है, स्पेक्टिकल्स की तरह बड़े बड़े वो सुंदर से बने होते हैं, और उससे अपना जो हिडन है, मतलब आईज या अपर पार्ट जो है फेस का, वो हाइड करे रहते हैं। वो ये जो टेक्निक है ना, इसे मास्क कहते हैं। जैसे आज तो हम मास्क लगाते हैं लेकिन वो माउथ को कवर करता है ना, कोविड से बचने के लिए, उसके जर्म्स से बचने के लिए। लेकिन मास्क क्या होता था, ये पहले जैसे हम पहनते हैं मुंह कवर करने के लिए, ऐसे एक टेक्निक थी जो कि प्लेज में यूज की जाती थी, और ये एलिजाबेथन थिएटर में सबसे ज्यादा यूज हुई है, ठीक है। तो जो एलिजाबेथन थिएटर था, जब क्वीन एलिजाबेथ रूल करती थी, उनके टाइम में जो भी टेक्निक चल रही थी थिएटर्स में, ये जो परफॉर्म है ये किया जाता था, ड्रामा हो गया, प्ले हो गए, ठीक है, तो ये चीज यहाँ यूज की जाती थी, तो ये भी यूज करते थे, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता क्या है, दरअसल ये मास्क जो इन्होंने लिखे है ना, ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो, क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। तो जो भी परफॉर्म किया ना, मतलब उस टाइम के थिएटर्स ने, वो किसके राज में हुआ है, दरअसल ये दो लोग थे उस टाइम रूल कर रहे थे। अब ये जब तक चल रहा था तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल चेंजेस,
हुए जिसकी वजह से इनको जेल जाना पड़ा। कुछ बार इनके खुद के भी रीजन थे, खुद के रीजन। जब तक ये किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लिख रहे तब तक तो गवर्नमेंट कुछ कहेगी नहीं, है ना। अगर ये किसी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करेगी, पकड़ के जेल में ही डालेगी। 1597 की ही बात है, एक सटायरिकल कॉमेडी थी इनकी, सटायरिकल यानी कि एक तरीके से सटायर और कॉमेडी जनरेट करने की कोशिश करता है कॉमेडी। जरूरी नहीं है कि हर चीज, मतलब नाम कॉमेडी रख दिया गया तो वो फन क्रिएट ही करेगी। एक वर्क है इनका द इजल ऑफ डॉग्स, डॉग्स का जिक्र है ना, तो ये बेन जॉनसन का कोलैबोरेटिव वर्क है। ये एक और जो थॉमस नैश हैं, ये हमें पता है ये भी यूनिवर्सिटी विट हैं, जैसे थॉमस किड थे वैसे ही थॉमस नैश भी हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि इनके साथ, मतलब जब ये परफॉर्म हुआ ना इनका जो प्ले था, अब हुआ क्या, हो सकता है इसमें इन्होंने एंटी गवर्नमेंट कुछ बात कर दी हो और उसके चक्कर में इनको अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि बेन जॉनसन ने इस पर्सन के साथ काम किया था। तो इनके साथ साथ दो और एक्टर्स थे, यानी कि चार हो गए टोटल। देखो, बेन जॉनसन पहले, दूसरे नैश, और प्लस के ये दो एक्टर्स, ये वाले। तो चार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। अब रीजन क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी। अच्छा कविता जी, थोड़े से बिजी थे। अच्छा, मैंने देखा था आपका एक आधी वीडियो पे कमेंट ना, तो मुझे यही लगा था कि मे बी हो सकता है आप बिजी होंगे, बिकॉज काफी लोग इस टाइम आ नहीं पाते ना, तो यही रीजन है। बट कोई बात नहीं, ऑफलाइन होते होते भी काफी लोग देख लेते हैं, चलते फिरते भी लोग देख लेते हैं 10-10 मिनट की भी, कोई मॉर्निंग देखता है, तो जिसको जो टाइम सूट करता है अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेता है। मेन तो यही है ना कि पढ़ना बस, है ना, पढ़ते तो सभी ही हैं। तो हुआ ये कि उनको, थॉमस नैश को, दो एक्टर्स को और बेन जॉनसन को 1597 में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन वो, क्योंकि थोड़ी सी आइडियोलॉजी उनकी डिफरेंट हो चुकी थी, तो उनको लिखना था। अब 1605 से ले, मतलब 4 से लेके 5 तक, जैसे ईयर चेंज होता है ना, तो उस टाइम 4 से लिखना स्टार्ट किया था, बट अरेस्ट कब किया गया, 5 में वो वर्क बेसिकली पब्लिश हो गया था। पब्लिश में क्या होता, परफॉर्म चलता था इस टाइम, तो जो पहली परफॉर्मेंस हुआ करती थी ना, राइटिंग का कल्चर तो इसके बाद आया है। अगर कोई भी राइटर प्ले लिखता था तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस के बिहाफ पे लिखता था। ये मैंने किसी शेक्सपियर को डिस्कस कर रही थी तो किसी क्लास में भी कहा था कि पहले के टाइम में कोई भी राइटर लिखता था ना, तो पैसा कमाने के लिए लिखता था, ठीक है। रीडिंग कल्चर नहीं हुआ करता था, वो परफॉर्मेंस के हिसाब से लिखता था कि भाई थिएटर में जाके आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे, उन लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर पैसा मिलेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, ये राइटिंग में आ गया, लोगों ने परफॉर्मेंस देखनी स्टार्ट की। बट जब प्यूरिटन और कैथोलिसिस्ट वाला जो फंडा आया प्यूरिटन एज में, तो लोगों का थिएटर जाना बंद हो गया, तब वहां से रीडिंग कल्चर जनरेट हुआ, ठीक है। तो इस टाइम तक तो रीडिंग कल्चर इतना नहीं था, इसलिए परफॉर्मेंस ज्यादा हुआ करती थी। तो ईस्टवर्ड हो, ठीक है। तो ये जो इनका प्ले है ना, ये कोलैबोरेटिव वर्क था, यानी कि ये क्या है, ये है बेन जॉनसन के साथ, प्लस ये लिखा था जॉर्ज चैपमैन, अगेन कंटेम्प्रेरी राइटर थे बेन जॉनसन के लिए तो, लेकिन इनके फ्रेंड भी थे, और थे जॉन मास्टन, ठीक है। तो ये दो नाम। अब हुआ क्या कि ये रिस्पॉन्स था, ये वर्क जो था ना, एक तरीके से ये रिस्पॉन्सिव वर्क था। बहुत बार अगर आपको याद हो तो जब हम हेनरी फील्डिंग को डिस्कस कर रहे थे, सैमुअल रिचर्डसन को डिस्कस कर रहे थे, तो ये दो राइटर्स के बारे में हमने क्या देखा था कि इन इस वाली एज में क्या था, जहां से रिचर्डसन और ये फील्डिंग बिलोंग करते थे, कि भाई एक ने टेक्स्ट लिखा, दूसरे ने उसकी पैरोडी बना दी, फिर भी नहीं मन मरा तो दूसरा एक और टेक्स्ट लिख दिया, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता था। दरअसल ईस्टवर्ड हो एक रिस्पॉन्स था, एक पर्सन ने लिखा था नॉर्थवर्ड, हाँ जी रमनदीप कौर जी, पता है माइक मेरा ना कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, ठीक है। वो क्या होता है, वो बच्चा सामने वाले घर पे रो रहा होगा तो वो कैच कर लेता है। वैसे मेरा घर बिल्कुल बीच में पड़ता है ना, इधर कुछ है ना इधर कुछ है, आमने सामने ऐसा आज सच कुछ नहीं है जो डिस्टर्ब करे, लेकिन वो अगर कोई अपनी बालकनी में खड़ा है और बच्चा रो रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस उनको भी चाहिए होता है, तो वो आवाज कैच करता है। मेरे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं। हाँ जी संदीप हिर जी, एंटी स्कॉटिश,
तो ये क्या था? भूल गई ना, वो मैं मैसेज पढ़ने लग जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। रिस्पॉन्स की बात कर रही थी ना मैं, कुछ रिस्पॉन्स। नॉर्थ वार्ड हो, तो इससे पहले ना ये प्ले आया था, और ये कौन? जॉन वेबस्टर। ठीक है, तो वेबस्टर, वेबस्टर का वर्क था ये। वेबस्टर के साथ साथ ये वर्क लिखा था थॉमस डेकर। अब नाम आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक नाम इंपॉर्टेंट है, थॉमस डेकर। थॉमस डेकर का इन्होंने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया है, बेन जॉनसन ने। इन्होंने वेबस्टर का नहीं उड़ाया, क्योंकि क्या था, जॉन वेबस्टर सिर्फ ट्रेजेडीज ट्रेजेडीज लिखा करते थे एक तरीके से, ठीक है। और कहा जाता है कि कुछ हद तक ना ये बुरा नहीं मानते थे चीजों का, तो आपको बहुत कम ऐसी रेफरेंस मिलेगी कि बेन जॉनसन ने दरअसल वेबस्टर का मजाक उड़ाया। आपको बहुत सारी जगह ये रेफरेंस मिलेगी कि उन्होंने थॉमस डेकर को क्रिटिसाइज किया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉर्थ वार्ड हो है, कोलैबोरेटिव वर्क था जॉन वेबस्टर का और थॉमस डेकर का, जिसके रिस्पॉन्स में एक तरीके से ये लिखा गया था ईस्ट वार्ड हो। अब जिन जिन लोगों ने ये लिखा था ना, बेन जॉनसन ने, जॉर्ज चैपमैन ने और मास्टर ने, उसके बाद से इन्हें क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों राइटर्स को, ठीक है, इन तीनों राइटर्स को, कौन कौन हो गए ये तीनों राइटर्स बताओ? देखो ये चीज तो बिल्कुल अलग है ना, इनका तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो बेचारे शरीफ से थे, ये तो बेचारे पहले लिख चुके थे। ये तीन लोग जो थे ना 1605 में, पहले हो गए बेन जॉनसन, ठीक है, यानी कि ये बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन और जॉन मास्टन, ये तीन लोग फिर से जेल गए 1605 में। तो दूसरी बार चांस था ये इनका कि भाई इन्होंने कुछ लिखा, उसको परफॉर्म किया। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोई भी डायरेक्ट नहीं लड़ना चाहता। डायरेक्ट लड़ेंगे तो फिर खून खराबा होगा, ब्लड शेड होगा, वायलेंस बढ़ेगी, ठीक है, फॉलोअर्स के बीच लड़ाई होगी। तो ये क्या करते थे, ये परफॉर्मेंस करके लड़ते थे। आने वाले कल्चर में क्या हुआ है कि वो क्या करते थे, वो राइटिंग से लड़ते थे, है ना। इनके क्लास, इनके केस में क्या था, इनके केस में राइटिंग तो अभी तक नहीं है, तो ये परफॉर्म करके लड़ते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वार्ड हो में जो परफॉर्मेंस दी गई, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए ईस्ट वार्ड हो में लिखा गया, फिर उसको परफॉर्म किया गया। वहां से पता चला लोगों को कि भाई ये तो हमारे पुराने राइटर्स जो हैं, मतलब थॉमस डेकर और जॉन वेबस्टर, इनका मजाक उड़ा रहे। फिर पकड़ के जेल में डाल दिया गया। संदीप हीर जी, तीन बार रेफरेंस मिलती है कि तीन बार गए हैं। हाँ जी संदीप हीर जी, बेन जॉनसन, जॉर्ज चैपमैन और मार्स्टन, है ना, जॉर्ज, जॉन मार्स्टन। तो ये तीन प्लेराइट चले गए। अब क्या हुआ, जो इनके फॉलोअर्स थे ना, अब फॉलोअर्स के बीच में लड़ाई होगी, लेकिन फॉलोअर्स ऐसे तो नहीं लड़ते। तो आपको देखो दो नाम मिलेंगे जब आप गूगल पे डायरेक्ट डालोगे ना, वार ऑफ द थिएटर्स, ये क्या है, आपको पता चल रहा होगा कि भाई थिएटर्स की लड़ाई है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि अगर एक राइटर एक थिएटर में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मान लो पहले नॉर्थ वर्ल्ड हो परफॉर्म हुआ, तो वो प्ले परफॉर्म हो गया, उसके फॉलोअर्स हो गए, उसके राइटर्स हो गए, ठीक है, उसके एक्टर्स हो गए, मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को क्रिटिसाइज करने के लिए एक दूसरे थिएटर में, क्योंकि सेम थिएटर तो उस आइडियोलॉजी को लेगा नहीं ना, सेम स्क्रिप्ट थोड़ी लेगा, तो वहां पे दूसरा थिएटर जो होगा, क्योंकि थिएटर्स भी बहुत सारे होते थे जब ग्रोइंग डिमांड हो रही थी, तो हमें आगे पता चलता है ना कि रोज भी था, स्वान भी था, ग्लोब भी था, शेक्सपियर खुद उनमें काम करते थे, ब्लैक फायर्स भी था, ठीक है, और लॉर्ड चैम्बरलेन्स, जिसका कि नाम बदल दिया था जब जेम्स वन आ गए थे 1603 में, वो भी हम आगे देखेंगे। तो वॉर ऑफ द थिएटर्स वर्सेस एक जगह और है, ठीक है, पोएटो माचिया। अब वॉर ऑफ द थिएटर्स की एग्जैक्ट रेफरेंस यही है कि भैया एलिजाबेथन टाइम में बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई थी। क्या था, 1599 में एलिजाबेथ ने ना बैन कर दिया था कुछ चीजों को। अब आप कहेंगे बैन तो हमेशा ही हो जाते हैं, इसमें नया क्या था? बैन का मतलब ये है कि भाई जो भी चीज अगर पॉलिटिकल चीज को नेगेटिव लाइट में दिखाएगी, मान लीजिए कोई किंग है, कोई क्वीन है, उसकी अगर इमेज को आप नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे ना प्लेज के थ्रू, तो वो चीज बैन हो जाती थी, ठीक है। जब ऐसी चीज चलने लगी तो हमें पता चला कि वॉर ऑफ द थिएटर्स आया, और इसका टाइमलाइन पता है क्या है, ये कब से कब तक था?
ये था 1599 से लेके 1602, इस टाइम तक ये चीजें वॉर ऑफ द थिएटर्स में क्या था कि ज्यादातर चीजें बैन हो जाती थी। अब ये जो है ना, ये जो टर्म है, ये भी एक तरीका का थिएटर था। और क्या था, ये थॉमस डेकर ने इसको नाम दिया था, थॉमस डेकर ने। तो अब कौन कौन लड़ रहा है, एक तो वो जो एलिजाबेथ नहीं चाहते, और दूसरा वो जो थॉमस डेकर जैसे राइटर्स लिखना चाहते हैं। तो बेन जॉनसन भी इन्हीं में से किसी कैटेगरी में आते हैं, या तो वो इस वाली में आते हैं या फिर वो इस वाली में आते हैं। ठीक है, अगर यहाँ थॉमस डेकर आते हैं तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन में यहाँ पे बेन जॉनसन आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार पूछ लेता है कि वॉर ऑफ द थिएटर्स किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ थॉमस डेकर है तो यहाँ बेन जॉनसन होंगे। नेक्स्ट चीज, आपको रीजन मैंने बता दिया है कि क्या चीजें थी। मैसेज देखें एक बार। हाँ जी संदीप हीर जी, पॉलिटिकल सटायर को बैन कर दिया था, है ना। तो अब ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे को कैसे सटायर करेंगे, थ्रू राइटिंग। तो सेटराइजेशन स्टार्ट हुआ लेकिन थ्रू राइटिंग, थ्रू राइटिंग यानी के यहाँ पे राइटिंग का मतलब प्लेज से है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे राइटिंग कुछ और नहीं है, राइटिंग का मतलब है सिंगल टी है ये, यहाँ पे राइटिंग का मतलब है प्लेज, प्लेज में लिख लिख के करते थे। तो अब क्या क्या हो गया, जॉन मार्स्टन, थॉमस डेकर वर्सेस बेन जॉनसन। ठीक है, तो अब क्लियर कट ये है, ये हमेशा लड़ते ही रहते थे, ये दो लोग और ये एक इंसान, बस इनका यही काम था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको जो देनी है, रिकॉल ही करा रही हूं मैं एक तरीके से, ठीक है ना, कि इन्होंने मोर देन यानी कि 20+ मास्क लिखे थे। अब मास्क क्या है, मास्क तो देखो एक तरीके की लिटरेरी टर्म है जो यूज की जाती है, एक तरीके की डिवाइस जो कि ड्रामा में यूज कर ली, प्ले में यूज कर ली, सिंगिंग में यूज कर ली, लेकिन इसका पर्पस क्या है। ये कह रहा ना 20+ मास्क यूज करें। दरअसल क्या था कि प्ले में ऐसे टेक्निक्स यूज की जाती थी, मान लो किसी एक कैरेक्टर का नाम ले दिया और उसको कह दिया कि भाई ये मास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मास्क पहनकर परफॉर्मेंस की जाती थी। और एक इनका प्ले है द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, वैसे तो बहुत सारे मास्क हैं, इनके मास्क ऑफ ब्यूटी भी है। ठीक है, द मास्क ऑफ ब्लैकनेस, ब्लैकनेस इज एसोसिएटेड विद डार्कनेस। तो ये जो प्ले है ना, इसमें ऐसा कहा जाता है, मतलब जब ये परफॉर्म हो रहा था, इसमें 1605 की रेफरेंस देगा वैसे ये, क्वीन एनी जो कि क्वीन एलिजाबेथ की सिस्टर थी, लेकिन वो इनके बिल्कुल ऑपोजिट थी, ये स्कॉट्स को सपोर्ट किया करती थी। ठीक है, वो अगर एंग्लिकन चर्च को सपोर्ट करती थी, इंग्लिश को करती थी, तो ये बिल्कुल स्कॉटिश एटमोसफेयर को सपोर्ट करती थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हां जी सुखदीप जी, कोलैबोरेशन की है इसके बाद, लेकिन पहले लड़ लिए तो बताओ क्या फायदा उस चीज का, है ना, पहले तो नाम खराब कर ही लिया ना, ना तो पोएट लॉरेट होते, ये भी तो बात है। कल भी किसी ने कहा था पोएट लॉरेट, 1616 में पोएट लॉरेट इनको कहा जाता है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, वही चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि 1605 से लेकर आपको रेफरेंस मिलेगी 1634 तक। देखो, अब 1603 में जेम्स वन आ गए थे ना, एक तरीके से अगर आपको याद हो तो जे से जकोबियन, जे से जेम्स, 1603 से लेकर 1625 तक जेम्स वन आ गए थे, जिन्होंने के रूल किया। ठीक है, अगर भूल गए हैं कोई तो जकोबियन एज को फिर से रिवाइज कर लेना। मैं यहां बता रही हूं कि यहाँ पे क्या था, पॉपुलर मास्क, जो मास्क बेन जॉनसन लिखते थे ना, वो बड़े ही पॉपुलर हो गए, यानी कि जो भी टेक्निक, जो भी प्ले वो यूज कर रहे हैं, जिस भी कैरेक्टर के बारे में वो लिख रहे हैं, वो बड़ा फेमस हो गया कि मास्क में छुपा कर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, जो ये कोर्ट थे ना जेम्स वन के, और इनके बाद कौन आया, चार्ल्स वन। ठीक है, ऑफिशियली अगर देखा जाए चार्ल्स वन कब तक रहे, जब तक डिस्टर्बेंस नहीं हुई, 1642 तक। फिर ऑलिवर क्रॉमवेल आ जाते हैं 1653 में। ठीक है, फिर जाके 1660 में चार्ल्स टू आते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आपको यहाँ पे दोबारा से रिकॉल करा दी, ये 1625 में चले जाते हैं।
तो जेम्स वन में और चार्ल्स वन में, दरअसल ये जेम्स वन जो है ना, ये बेन जॉनसन को बहुत ही ज्यादा फेवर किया करते थे और इसी टाइम पे इनको रॉयल पेंशन भी मिली थी, ठीक है, 1616 में। अब आप टाइम देखो जरा, यानी कि जेम्स वन ने दी पेंशन जो चल रही थी वो यहां पे भी मिली है, लेकिन जब ये अगर 1642 में बीहेड हो गए और ये चले गए इंग्लैंड से, तो फिर इस राइटर को यानी कि बेन जॉनसन को कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। तो अगर ये किसी को परेशान करके कहीं एक जगह से भाग भी जाया करते थे तो फिर क्या होगा। एक जगह मैंने ना एक ये नहीं बताया कि इनका उन्होंने किसका बेचारे का मर्डर कर दिया था, परफॉर्म कर रहे थे, है ना, वो अभी मेरे को याद आता है तो मैं बताती हूँ दोबारा। तो रॉयल पेंशन जो मिलती थी वो जेम्स वन के और चार्ल्स वन के अंडर मिलती थी, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखेंगे। यही वही टाइम था जब इनको कहा गया कि ऑफिशियल क्या था, ये पोएट लॉरेट, पोएट लॉरेट कहा गया, लेकिन ये कल भी किसी ने कहा था अनऑफिशियल है। हाँ जी, ये अनऑफिशियल है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा इनके ऊपर क्या लग रहे थे, चार्जेस लग रहे थे। इनकी रेप्यूटेशन को ध्यान में रखते हुए ये चीज ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई थी कि भाई ये तो लोगों से दुश्मनी करते फिरते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये तो जेल भी जा चुके हैं, इनका नाम भी खराब हो चुका है, तो इनको हम पोएट लॉरेट नहीं कहेंगे। फर्स्ट एवर पोएट लॉरेट अगर कोई बनता इंग्लैंड में, ये कहा जाता है कि वो पर्सन कौन होता, वो होते बेन जॉनसन, लेकिन उनको बनाया नहीं गया पॉलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से, उनके खुद के करियर की वजह से उनको नहीं बनाया गया, ठीक है, इसलिए कौन कहे जाते हैं, ड्राइडन, जो कि हम कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, 16 होगा आई गेस। जैसे शेक्सपियर का फोलियो आया है ना, ऐसे इनका भी एक फर्स्ट फोलियो है, ठीक है, फर्स्ट फोलियो जो कि कब आया है, कब आया है, 1616 में ही आया है। हाँ जी गुरप्रीत जी, हाँ जी, शेक्सपियर डाइड इन 1616, एडिटर, हाँ सही कह रहे हैं। देखो सेकंड फोलियो जो इनका आया है ना वो 1640 में आया, फर्स्ट वाला, बताएंगे अभी, देख रही हूं मैं कितना मेरे को डिस्कस करना है। 1623 में शेक्सपियर का फोलियो था, हाँ जी, इनका फोलियो था, हाँ फर्स्ट फोलियो था, लेकिन इसको मैं अभी एक लिंक शेयर कर रही हूँ, रुको पहले मैं लिंक शेयर कर दूँ फिर देखना, ठीक है, लिंक मैं अभी शेयर कर रही हूँ। मैंने लिंक ग्रुप पे इसलिए नहीं शेयर किया था, मैंने कहा फिर थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस हो जाती है, पहले ही पढ़ के वो चीज आ जाते हैं, पहले मैं शेयर कर दूँ। देखो ये 1616, ठीक है, अब आप कहोगे शेक्सपियर फोलियो है, लेकिन ना मैं एक लिंक भेज रही हूँ उसमें जरा चेक कर लेना, और फिर एक और लिंक भेजूंगी उससे भी चेक कर लेना, ठीक है। मैंने लिंक एक भेज दिया आपको, इसमें ये कहा गया है कि शेक्सपियर का जो फोलियो था ना, शेक्सपियर के फोलियो से बात नहीं कर रही है, ठीक है मैम, फर्स्ट फोलियो ऑफ बेन। हेलो करण जी, फोलियो मीन्स करेक्शन होता है एक तरीके से, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे प्लेज को इकट्ठा करके देन उसको पब्लिशर के पास भेजना, ये उस टाइम फोलियो कहा जाता था, क्योंकि ये क्वार्टर शीट्स पे होता था। क्वार्टर शीट्स का मतलब होता है कुछ इस तरीके की, क्वार्टो टेक्स्ट बोलते थे, कि पहले एक पेज पे यहां लिखा गया, देन यहां लिखा गया, फिर यहां, फिर यहां, फिर इसको
पीछे वाली साइड से लिखा गया, तो क्वार्टर जैसे होता है ना, तो ये फोलियो मतलब क्वार्टर फोलियो भी इनको बोला जाता था। हेलो मधु जी, तो ये आप इस वाले उसमें ना पढ़ोगे, ठीक है। तो ये इनकी रेफरेंस है कि भाई ये चाहते थे इनका भी फोलियो निकले, लेकिन उसका रीजन क्या था कि ये चाहते थे कि वो प्लेज के नाम से ना जाना जाए, वो जाना जाए इनके राइटिंग के लिए। अब ये क्यों ऐसा कलेक्शन चाहते थे, जैसे शेक्सपियर का फोलियो आया ना, ऐसा ये भी चाहते थे, लेकिन ये चाहते क्या थे कि इनके प्लेज के नाम से वो चीज ना जानी जाए। अब प्लेज की वजह से अगर कोई लिखेगा तो ये प्रिजन को जरूर डिक्लेयर करेगा, ठीक है। तो ये जो इनका ड्रीम है ना, ये कुछ हद तक पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज, ऑन माई फर्स्ट सन, वैसे ये सन है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था। ये इनका एक वर्क है, ये एलेजी है, 14 लाइन्स ही है, 14 लाइन्स का एक तरीके से सोनेट है, ठीक है। अपने बेटे के लिए ये उन्होंने लिखा था, इनका सन था जिसका कि नाम एक्चुअल में बेंजामिन ही था, यहाँ पे आ जाएगा बेंजामिन। अब उसको प्लेग हो गया था, ठीक है, बोर्बोनिक प्लेग। अब इंग्लैंड की हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है कि प्लेग बहुत बार आया है, तो अगर किसी को इसका ईयर पता है ना, ऑन माई फर्स्ट सन, तो बता दो 1616 में ये उन्होंने लिखा था, लेकिन पब्लिश ये बहुत बाद में हुआ है, या 1603 में, नहीं 1603 में लिखा है हाँ, और पब्लिश 16 में हुआ है। हाँ ये है, उल्टा बोल दिया। संदीप जी, फोलियो का मतलब वही था, जैसे शेक्सपियर का फोलियो आया ना, तो वो क्वार्टो टेक्स्ट में लिखा जाता था। जैसे आप ये देखो, ये पेज आई गेस आपको दिख रहा होगा, पीछे चल रही है क्या आज वीडियो? हाँ अब आई गई है। तो इस शीट को ना चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, ठीक है। जो हम A4 साइज शीट होती है, हमारे पास कोई भी शीट हो, हम उसको क्या करते थे, तो पहले कोई भी राइटर यहाँ लिखता था, फिर यहाँ लिखता था, फिर यहाँ लिखता था, फिर यहाँ लिखता था। तो इसको ना क्वार्टर टेक्स्ट या फोलियो टेक्स्ट कहा जाता था। बहुत सारी बिखरी बिखरी चीजों को जब मिलाया जाता था एक किताब के तौर पे, इससे पहले आपको रिटन चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी, ठीक है। अलग अलग पेजेस पे अलग अलग राइटर्स लिखते थे, लेकिन बुक का कल्चर नहीं था, ठीक है। तो यही चीज है कि ये चाहते थे कि नाम हो इनका, लेकिन नाम खराब भी ना हो, किसी को ये ना पता चले कि भाई 2 या 3 बार ये अलग अलग केसेस में जेल गए हैं धोखाधड़ी वाले। हाँ जी दीप रमन जी, सिक्सटीन सिक्सटीन, ये चीज ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ऑन माई फर्स्ट सन, ठीक है, तो बेंजामिन नाम का जो इनका बेटा था, वो महज 7 साल का था जब बार्बोनिक प्लेग से उनकी डेथ हो गई थी, और वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे, बेन जॉनसन, इस चीज से। दूसरा, इनकी परेशानी का क्या रीजन था? कुछ और भी रीजन था, ठीक है, कि इनकी हेल्थ जो थी ना, वो डिटेरियोरेट होनी स्टार्ट हो गई थी। जाहिर सी बात है, जब आपकी फैमिली में कुछ अच्छा नहीं होगा तो क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एक चीज मैंने आपको बता दी कि जेम्स जो है, चाहे जेम्स वन थे या फिर चार्ल्स वन थे, वो इनको फेवर किया करते थे। अगर आप ध्यान से गौर करें, तो अब 1616 में बेटा चला गया, तो इनको क्या होने लगे, इनको आने लगे स्ट्रोक्स। तो ऐसा कहा जाता है कि मल्टीपल स्ट्रोक्स इनको आए, जैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना, वो जो प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब होने लगा, और धीरे धीरे इनकी जो इलनेस है वो बढ़ने लगी। 1628 में दिस पर्सन गॉट पैरालाइज्ड, ठीक है, और पैरालाइज होने की वजह से ज्यादा मूवमेंट तो ये कर नहीं सकते थे, अब एक्टिंग भी नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ कि जो यंग आर्टिस्ट थे ना, जितने भी लोग काम किया करते थे, जो यंग प्ले राइट्स थे, जो इनको फॉलो किया करते थे, या जितने भी एक्टर्स थे, वो जो लोग इनको एडमायर करते थे, क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्टेबल तो चीज लाइफ कभी रही नहीं, तो वो क्या कहते थे कि हम क्या हैं, हम हैं सन्स ऑफ बेन, सन्स ऑफ बेन। जो ये कहते हैं ना सन्स ऑफ बेन, ये दरअसल ये इनको दुख से निकालना भी चाहते थे एक तरीके से, क्योंकि बेन का जो लगाव था अपने बेटे से, बेंजामिन, ठीक है, अपने नाम पे ही उन्होंने अपने बेटे का नाम भी रखा था, जो महज 7 साल की उम्र में इस दुनिया से चला गया। तो ये कहते थे सॉन्ग्स ऑफ बेन और ट्राइब ऑफ बेन, इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी जगह इनके फॉलोअर्स इनको ये कहते थे कि भाई हम बेन के बच्चे हैं, हम बेन के बेटे हैं, और हम उसकी ट्राइब का पार्ट हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है।
कि किसी फॉलोअर को, मतलब किसी को इतना इस हद तक एडमायर लोग करते थे। ये थिएटर आर्टिस्ट ही थे जो इनकी भावनाओं की कद्र करते थे। हेलो ज्योति रानी जी, अमनप्रीत कौर जी, ठीक है। तो वेस्टमिंस्टर एबे में जानी मानी जगह है, अक्सर वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के उसमें मिल जाती है। वर्ड्सवर्थ ने तो इस पर एक पोम भी लिखी है। तो वेस्टमिंस्टर एबे में इनको बरिड किया गया है, और इनका जो ओरिजिनल स्पेलिंग है, मतलब क्या इंस्क्रिप्शन दिया गया है, ओ रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। बहुत सारी जगह आपको एच नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना विकिपीडिया पे भी, और एक दो साइट्स हैं जो मैंने भेजी है, शायद उसमें भी ये चीज मेंशन है, ओ रेयर बेन जॉनसन, यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि भाई यहाँ पर इनके नाम की जो स्पेलिंग है वो करेक्ट लिखी गई है, ठीक है। अभी क्या होता है, सारी दुनिया किस नाम से जानती है, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा होता है ना, देखो ये स्पेलिंग लिखी होती है जॉनसन, तो हम ये क्या समझते हैं, बेन जॉनसन। अगर ये लिखा होगा तो हम समझते हैं डॉक्टर जॉनसन, जिन्हें कि हम डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन भी कहते हैं। लेकिन हर वर्क पे एच नहीं मेंशन, सिर्फ इनके जो बरिड जो टॉम्ब स्टोन है ना उस पे ही ये नाम मेंशन है बस। किसी और प्ले में कहीं पर भी किसी भी जगह ये मेंशन है ही नहीं कि जॉनसन का असली नाम सरनेम ये था, इस तरीके से लिखते थे, ठीक है। तो ये चीज फिर, हाँ जी सुखदीप जी, ओ रेयर बेंजो, हाँ जी। अब बात करते हैं इनके वर्क की, क्योंकि वर्क्स इनके सिर्फ नाम याद रख लेना, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि क्या क्या, कौन से ऐसे 4 से 5 वर्क हैं जो आप पढ़ लेना, ज्यादा डीप में मत पढ़ना। एक जो इसका फेवरेट क्वेश्चन है वो ये कि शेक्सपियर ने किस प्ले में काम किया था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। फिर ये लिखते हैं कुछ एक साल बाद, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ठीक है। तो ईयर बताओ, क्योंकि कल वाले में क्या किया, मैं कंफ्यूज हो गई थी और मैंने गलती से ध्यान नहीं दिया, ठीक है। हालांकि मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बट कभी कभार ध्यान नहीं रहता, क्योंकि इतने सारे राइटर्स मैं भी पढ़ती हूँ ना, कुछ तो मेरे इसमें से बिल्कुल काम के भी नहीं है, मेरे काम के नहीं है, ठीक है। ईयर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सबसे पहले इसको प्रेजेंट कहाँ किया गया, दरअसल ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, ये था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है। ये एक नाम है, थिएटर कंपनी है, और इसका इसको सिर्फ एक और नाम से जाना जाता है, मतलब लॉर्ड नहीं आता, चैम्बरलेन्स मैन भी कहा जाता है। 1603 में जब जेम्स वन इंग्लैंड में आ गए थे तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया था। इस कंपनी को फिर क्या कहा जाना लगा, कहने लगे किंग्स मैन, ठीक है। और ये वो थिएटर कंपनी है जिसमें बेन जॉनसन और शेक्सपियर दोनों काम करते थे, बेन जॉनसन भी करते थे और शेक्सपियर भी करते थे, तो दोस्ती हुई दोनों की, ठीक है। 1598, 1598 करेक्ट है, अभी 99 क्यों बोल रहे हैं, अच्छा कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जॉनर, हाँ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, इन हिज ह्यूमर तो 1598 है ना, देखो परफॉर्मेंस ईयर गिना जाएगा इस टाइम तक। प्यूरिटन एज से पहले पहले आप देखोगे प्लेज की क्या थी, सबसे पहले मैंने बताया ना प्लेज को परफॉर्म किया जाता था, तो जो प्ले सबसे पहले परफॉर्म हो गया हम उसी का ईयर काउंट करते हैं। अगर आप शेक्सपियर के प्लेज देखोगे ना तो वो क्या बताएगा आपको, क्योंकि भाई दिस प्ले वॉज परफॉर्म्ड, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन दिस ईयर, ठीक है। तो परफॉर्म्ड वाला ही हम मानेंगे, क्योंकि सारी दुनिया उस चीज को देख चुकी है। ओ रेयर बेन जॉन, हाँ जी ज्योति जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि शेक्सपियर ने इसमें परफॉर्म किया था बस, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड प्ले, ये मैंने किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वोल्पोनी और द फॉक्स, क्या है बीस्ट फेबल है, इसका भी ईयर बता दो एक बार। बीस्ट फेबल है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, किसी एमसीक्यू में क्वेश्चन डिस्कस किया, और उसमें ना मेरे को याद आ रहा है मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोला था कि बताओ वॉल्पोनी में कौन कौन सा कैरेक्टर है और कौन कौन सा नहीं है। हाँ
सुखदीप जी किसका भेज रहे हो ये 1599? सिक्सटीन जीरो सिक्स या 1607? हाँ जी वरिंदर जी, मैं सोच रही थी सुखदीप जी मैसेज करेंगे, अभी तक तो आया नहीं। हाँ जी परमिंदर सिंह जी, 1606। ठीक है, क्या है ये भी कॉमेडी है, इससे पहले वाली जो थी वो भी कॉमेडी थी। 07, 1606 है फर्स्ट परफॉर्मेंस तो। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टर्स है ना, इसके कैरेक्टर्स को पढ़ लेना बस एक बार, कि भाई कौन कौन सा कैरेक्टर है जो किस किस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब आप वॉल को नहीं खोलोगे ना, तो आपको नीचे जाके कैरेक्टर्स दिखाएगा वो। फिर है द एल्केमिस्ट, वैसे एल्केमिस्ट पाउलो कोलो का भी है। ठीक है, अक्सर कोई भी किसी मूवी आप देखो तो उसमें वो जरूर दिखाते हैं। कॉमेडी है द एल्केमिस्ट, जितना विकिपीडिया पे दिया गया है वो ही पढ़ लेना। सुखदीप जी, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का तो ये है ना 1598, आप आउट ऑफ ह्यूमर का तो नहीं बता रहे। ठीक है, आप शायद ना मतलब एक साल का ही फर्क है दोनों में, तो चेक करो एक बार जाके। आज मेरी कोशिश यही थी ये गलत ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन में गलत हो जाता है ना, तो फिर नहीं सही लगता। थर्ड चीज मतलब फोर्थ हो गया अब तो, ये फोर्थ बार्थो लो म्यू फेयर। भाई ये भी कॉमेडी है, लेकिन कहा जाता है ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई नहीं थी। ठीक है, 1614 में आई है। हाँ जी ज्योति जी, मॉस्का वोल्टेयर। हाँ जी परमिंदर जी, ये कैरेक्टर है उसमें, स्लेव फॉक्स भी कहा जाता है इसको ना, मतलब वॉल्पोनी को, इसमें ना कंफ्यूज कर दे कोई। सेजामस हिज फॉल, ग्रीक का कोई कैरेक्टर है। ठीक है, उसके डाउनफॉल के ऊपर है 1603, और ये क्यों है, दरअसल ये ट्रेजेडी है, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे मुझे याद है सेजामस हिज फॉल पे मैंने ना कोई क्वेश्चन भी दिया था, मतलब बेन जॉनसन पे हम कुछ डिस्कस कर रहे थे तब, कि भाई ये किसका वर्क है, तो सिजामस हिज फॉल ट्रेजेडी है 1603 में, 1603। तो बेन जॉनसन में तो इतना ही है जो आपको करना है, बाकी क्या करना है, बाकी विकिपीडिया के जो सोर्स हैं, जो नाम दिया गया है ना, प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि जो इसका फेवरेट क्वेश्चन है वो यही है कि बेन जॉनसन के किस प्ले में दरअसल शेक्सपियर ने काम किया है। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर ही है, काफी लोग आउट ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपको रिटर्न में मिलेगा वो यही है। सीजनस, अच्छा एम लगा दिया क्या मैंने? हाँ जी यहाँ ठीक है, किसने भेजा है मुझे? हाँ जी मनप्रीत जी, ये ठीक है, मतलब ये है ना, ये एन है। सिज़ा नस, सिज़ा नस हिज फॉल। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी 1603 है। तो बेन जॉनसन कंपैरेटिवली मुझे लगा कि आज हो गए होंगे। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी इनकी बायोग्राफी बताई है उतनी इनफ है। जो इनका वॉल्पोनी है ना, वॉल्पोनी हुआ और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेना, और एल्केमिस्ट। ठीक है, बाकी तो एज सच इनका कुछ नहीं भी करोगे ना तो भी काम चल जाएगा। कौन कह रहा है वॉल्पोनी 1605? ज्योति रानी जी, वॉल्पोनी 1606 है ना, चेक करो अभी अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ जी स्काई यादव जी, मैं समझ गई, वेलकम है आपका। वॉल्पोनी जो है वो 1606 की परफॉर्मेंस दिखाएगा, 5 तो नहीं है। ठीक है, तो
कोई बात नहीं सुखदीप जी, एक बार चेक कर लो, मैं अभी भी यहीं ही हूँ, ठीक है? अगर आपको कोई डाउट है उसमें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ जी कैटलिन, हिज कॉन्स्पिरेसी भी है, एपिकॉनी भी है एक तरीके से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो यही है। यू तो इसके मास्क भी है ना, मास्क ऑफ ब्यूटी भी तो है, 6 से 7 इसके मास्क भी हैं, 20 मास्क का वो जिक्र करता है। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ नाम ध्यान रखने वाली हैं, नाम और ईयर वाली, जिसमें से क्वेश्चन बनता है ना वो वॉलपोनी में से बनता है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में से बनता है। ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है? ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ें इन्होंने लिखी हैं, तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि क्या है किसके ऊपर है, तो थोड़ा सा ना ये चीज़ देखनी होती है एग्जाम में। हाँ जी मनप्रीत जी, एपिकॉनी द साइलेंट वुमन, ठीक है? नाम ध्यान रखो इनके, बाकी इनमें आज सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं फिर से बोल रही हूँ। बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करके जाते हैं, बट क्वेश्चन इतने नहीं आते। क्वेश्चन जो आते हैं ना, वर्ड्सवर्थ हो गया, कोलरिज हो गया, शैली हो गया, बायरन हो गया, मतलब रोमांटिक एज एक तरीके से, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज, ठीक है? शेक्सपियर अपने आप में पूरी एक बुक है, ठीक है? तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखें। बेन जॉनसन को अगर थोड़ा सा इनके सिर्फ प्लेस के नाम याद रखेंगे तो भी ये चीज़ हो जाएगी। एल्केमिस्ट 1610, हाँ जी कॉमेडी है एल्केमिस्ट, है ना? एल्केमिस्ट। तो अब मैं मिलूंगी आपसे, कल नहीं मिलूंगी, परसों भी नहीं मिलूंगी। आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे नहीं वेडनेसडे। उसका रीजन यह है कि वेडनेसडे को वी विल डू लिंग्विस्टिक्स फाइनली, तो लिंग्विस्टिक की पीपीटी पे काम चल रहा है, वी विल डू लिंग्विस्टिक्स। हाँ जी सुखदीप जी, शेक्सपियर हुआ, पोप हुआ, ड्राइडन हुआ, ठीक है? तो बेन जॉनसन में वॉल्पोनी जो बताया गया है, प्लेस के नाम मतलब एक तरीके से मास्क के नाम, ये विकिपीडिया पे अवेलेबल है, ये कर लेना, ठीक है? तो ये चीज़ है, थोड़ी सी ध्यान रखें। फ्रॉम माई साइड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट। सुखदीप जी आते तो हैं, ठीक है? इनमें से आते हैं, लेकिन इसमें से जिसमें नाम पूछेगा, पुराने वाले अगर पेपर देखो ना, तो एपिकॉनी हो गया, ठीक है? वॉलपोनी हो गया, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हो गया, और क्या डिस्कस किया हमने, द एल्केमिस्ट हो गया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पढ़ना तो देखो, आप जितना पढ़ना चाहो वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले हमें वो चीजें देखनी है जहां से क्वेश्चन बनता है। वॉलपोनी से हर बार कुछ ना कुछ उठा के वो दे देता है ना? बार्थोलोमियो फेयर कोई ये कैरेक्टर वो पूछ सकता है, तो ज्यादा नहीं करना, पहले मेन मेन कर ले, फिर टाइम बचेगा तो देखते हैं, नहीं तो एमसीक्यूज में कवर करेंगे। हेलो अशोक जी, तो वेडनेसडे मिलेंगे। हेलो नीरज जी।